हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको एक प्लांट के बारे में फिर से आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ। इस प्लांट को आप घर पे कितने आसान तरीके से लगा सकते हो और ये किस किस जगह में आपको लगाना है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखकर आप अपने छत के ऊपर या बालकनी में अवश्य लगाएँ, क्योंकि ये कार्नेशन प्लांट का ये नाम सुना होगा दोस्तों। इसका प्लांट देखिए इस तरह से इनके फ्लावर होते हैं और ये कई जातियों में पाए जाते हैं। ये हमारे पास रेड कलर का फ्लावर है और ये देखिए मैंने गमले में लगा रखी हूँ दोस्तों, और ये इसके बहुत सारे जड़ निकल आए हैं। इनको आप यदि चाहते हो तो ये पौधे को अलग अलग गमले में, आप कई गमलों में इनको उगा सकते हो, क्योंकि ये पौधे बीज से भी उगती है और ये इनकी जड़ से भी अनेक पौधा निकल आती है। इससे हमारे बालकोनी का सुंदरता बढ़ जाएगी और ये बहुत खूबसूरत देखने से लगती है। ये कार्नेशन का प्लांट बहुत ही अच्छे देखने से लगते हैं दोस्तों। और जब ये प्लांट लगाते समय आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि मिट्टी उर्वर होना चाहिए। मिट्टी यदि आपके पास उर्वर होती है तो आपकी ये फ्लावर बहुत ही और से अधिक मात्रों में ये फूल देते हैं और ये खूबसूरत लगते हैं देखने से। तो आप इस पौधे को आप अपने छत के ऊपर अवश्य लगाओ दोस्तों। और इनके यदि आपके पास अनेक गमले हैं तो आप अलग अलग हिस्से में इनका कटिंग भी लगा सकते हो और इनका जड़ से आप एक एक पौधे निकाल कर आप अलग अलग हिस्सों में लगा सकते हो। ये प्लांट मैंने बीज से लगा कर रखी थी दोस्तों, और ये बीज से देखिए हमारे पास बहुत सारे पौधे निकल आए हैं और मैंने बहुत सारे पौधे अलग अलग हिस्से में लगाए हूँ। लेकिन ये प्लांट देखिए, इनके फूल देख सकते हो दोस्तों कि ये कितने अधिक मात्रे में ये फ्लावर देने वाला पौधा है। और ये आप यदि अपने बागान में या छत के ऊपर 10 गमलों के बीच में यदि ये गमला आप रखते हो तो इनका कलरफुल आपको देख कर ये आपका जो पौधे लगाती हो उनका शोभा बढ़ जाएगी और ये देखने से बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगती है। ये ठंड के मौसम में फूल देने वाला पौधा है और ये गर्मी के मौसम में ये फ्लावर बिल्कुल नहीं देगी दोस्तों, क्योंकि ये प्लांट एक अलग ही तरह का पौधा है। जिस तरह से हम लोग गेंदे का बड़ा फूल इस पौधे को अपने गमलों में लगाकर बालकोनी का शोभा बढ़ाएं। और दोस्तों लगाते समय आप ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा खाद ना डालें, क्योंकि इसमें यदि आपको खाद डालना है तो आप खल्ली, जो हम लोग किचन में सरसों का तेल यूज करते हैं उनका खल्ली निकलती है, तो उस खल्ली से आप इसमें एक खाद तैयार कर सकते हो। जिस खल्ली को आप कम से कम 2 से 4 दिन तक सड़ा दो और सड़ाने के बाद इस पौधे में 2 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा यदि आप डालते हो दोस्तों तो आपका ये पौधा गल जाएगी और बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे और बिल्कुल भी ये पौधा फ्लावर नहीं निकलेगी। और इस तरह से देखिए इनके बहुत सारे पौधे निकल आए हैं जड़ से। मैंने इस पौधे को भी अलग हिस्सों में लगाई है दोस्तों, और ये पौधे देखिए इनकी कितनी सुंदर, ये देखने से तो जंगल झाड़ जैसा लग रही है पर इनके फूल तो इतना खूबसूरत लग रही है दोस्तों कि आप देखकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इस तरह से आपको लगाना है, आपको इस तरह से सेवा करना है, क्योंकि ये पौधे को यदि जितना आप सेवा करते हो उतना अधिक मात्रे में फूल देने वाला पौधा है। हर पौधे को अलग अलग डिसाइड होती है, पर ये पौधे बहुत ही, एक पौधे से ये अनेक पौधे मिलते हैं। दूसरी बात है कि इसमें फूल बहुत सारे खिलते हैं और ये देखने से भर भर गमला फूल खिलेंगे, आपको देखने से ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी दोस्तों। इनके फ्लावर आप देख सकते हो। और यदि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और घंटी को दबाना ना भूले दोस्तों। बाय बाय।